लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ बड़ी ताजा खबरों को लेकर। चलिए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की ताजा बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद के सूरज कुंड में हो रहा है गुर्जर महोत्सव मेला का आयोजन। दिनांक 23, 24 और 25 दिसंबर तक गुर्जर महोत्सव मेला आयोजित हो रहा है। हर साल की भांति इस वर्ष में भी मेला आयोजित किया गया है और आज मुख्य अतिथि के तौर पर इस गुर्जर महोत्सव मेले में कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर और विशिष्ट अतिथि के तौर पर तिगांव के विधायक राजेश नागर मौजूद रहे, जिन्होंने गुर्जर समाज के और गुर्जर मेले में पहुंचकर जो गुर्जर समाज के कलाकार थे उन कलाकारों का बढ़ चढ़ कर उत्साहवर्धन किया और जितनी भी व्यवस्थाएं उनसे संभवतः जुटाई जानी थी सभी व्यवस्थाएं इस मेले में रखी गई और पूरी तरीके से इस मेले को आयोजित करने वालों और मेले में अपनी प्रतिभाओं को दिखाने वाले और मेले में व्यवसाय के तौर पर अपना व्यवसाय करने वालों का फुल समर्थन किया जा रहा है। यह मेला हर वर्ष बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ सूरज कुंड में लगाया जाता है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य गुर्जर सभ्यता संस्कृति वेशभूषा को दर्शाना है। संवाददाता फरीदाबाद से दिलीप कुमार की विशेष रिपोर्ट। पापा से प्यार करता है, आप बताइए। आप बताइए मामा। तो हो जाए कभी तो पापा चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे पापा, मेरे दिल में रहते पापा, मेरी छोटी सी खुशी के लिए सबसे ज्यादा थे पापा। जब भी मम्मी डांटे बचाने आ जाते पापा, मेरे प्यार प्यारे पापा, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं मेरे पापा मेरे से।
और उसमें पूरी स्मारिका बना रहे हैं सर, इसका बुक का ही रूप दे रहे हैं इस बार ये सब सर हमने इसको। और गुर्जर महोत्सव को तैयारियां हैं, क्या कहेंगे आप? देखो मैं सभी आयोजकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने एक सफल आयोजन पिछले लास्ट ईयर भी किया और आज अब की बार दोबारा से वो आयोजन कर रहे हैं। पिछली बार 2 दिन का चला था, इस बार 3 दिन का, इसमें हमारे पूरे भारतवर्ष से हमारे समाज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, होकर एक दूसरे के कल्चर को, जो यहाँ के रहन सहन है, जो दिल्ली का रहन सहन है, राजस्थान तालमेल और एक एकता करती है। अच्छा, हरियाणा को लेकर क्या कहेंगे अब, हरियाणा की विकास की व्यवस्थाओं को? हरियाणा तो पहले से विकास प्रदेश है और यहाँ पे कितने 2014 से पहले जितने काम हुए और अब 2014 के बाद कितने काम हुए ये किसी से छुपा नहीं है और विकास कार्य बहुत सारे हुए और आने वाले समय में और विकास कार्य यहाँ पर खुल सके और लोगों से वहीं से चंदा उठाते हैं। कोई 100 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 5000 दे रहा है, खुद ही करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीछे से पीछे से ले लो, पीछे आप यहाँ पर आओ। आपके चैनल का कहेंगे जनता नया दिल्ली देखे, हर बार भी प्रोग्राम होता है, महान प्रोग्राम है हमारा, गुर्जर समाज एक हो गया जो ये एक समझो अलग ही संदेश है अपने देश के लिए। अच्छा, गुर्जर समाज को नया कपड़ों को पहनावा ओढ़वा हो, खाना पीना रहना पीना रहन सहन अपने जो भी बिजनेस या कोई भी है सबका यहाँ कर रहे हैं। धन्यवाद। गुर्जर समाज को लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय आपको दे देता हूँ। मैं बाहर से देखी कमर गुजर और फतेहपुर दक्षिण दिल्ली मेरा काम है और समाज सेवा के रूप में चढ़बड़ करके करना मेरा काम है, यही मेरा परम धर्म है। वही गुजर मेले की बात, जो ये गुजर महोत्सव हम मना रहे हैं पिछले 2022 से 2023 तक 3 दिवसीय कर दिया है, पहले 2 दिवस के साथ आगे हो सकता है ये और बढ़ जाए, लेकिन ये मेला परम्परागत आप सबको चलता रहेगा ये भी हमारी आशा है। और इसको लेकर के हम ये कहना चाहते हैं कि इस मंच पर आकर समुचित भारत नहीं विदेश तक गुजर के है, गुजर समाज को गुजर समाज और हमारा समाज है, हमारे नवाज है, इस तरह के प्रोग्राम है तो कहते हैं साल क्या में ये प्रोग्राम जरूर होना चाहिए और ये हमारे पूरे देश में जाना चाहिए, तो अलग अलग देश में भी अधिक समाजों में है। आप अगर जम्मू कश्मीर में अगर आप देखते हो तो जम्मू कश्मीर हमारा मुसलमान गुजर है, हिमाचल में आप और पंजाब में देखते हो तो हमारा सिख गुजर है, जैन संप्रदाय में भी हमारा गुजर है और हिंदू गुजर भी है, मुसलमान गुजर भी है, तो सभी एक हैं यहाँ, सभी एक ही भावनाएं हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि हम आपस में मिल के एक दूसरे के साथ अपनी सभ्यता संस्कृति को शेयर करें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रणदीप चौहान है और मैं संस्थापक गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट का सदस्य हूँ। और मैं एक समाज सेवी हूँ। चौहान साहब, 2023 गुर्जर महोत्सव की रूपरेखा बताइए। क्या सर? 2023 गुर्जर महोत्सव की रूपरेखा बताइए क्या है? जी साहब, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि 2023 गुर्जर महोत्सव की रूपरेखा। साहब मैं बताना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम हमने पिछले वर्ष शुरू किया था, जो पहला हमारा कार्यक्रम था वो 2022, जिसकी थीम दिल्ली थी,
अब की बार जो हमारा कार्यक्रम है वो गुर्जर महोत्सव 2023 है, जिसकी थीम अब की बार हमने हरियाणा रखी है। जैसे कि सूरज मेले में आप देखोगे हर वर्ष नए स्टेट की थीम आती है, उसी प्रकार हम भी अपना गुर्जर महोत्सव हर बार नई थीम के साथ मनाते हैं। जो पिछली थीम थी वो हमारी दिल्ली थी और अब की थीम हमारी हरियाणा है, अगली बार अन्य प्रदेश। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा गुर्जर समाज है ये लगभग 13 स्टेटों में है, जो जम्मू कश्मीर से लेके और नीचे छत्तीसगढ़ रायपुर भिलाई तक है और हमारी यहाँ बहुत सी बाउंडियाँ हैं। तो इस महोत्सव में आप देखोगे तो यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर से लेके पुंज और रजौरी से लेके और छत्तीसगढ़ के रायपुर और भिलाई तक के गुर्जर आए हुए हैं। इसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ये हमारा जो कार्यक्रम होता है ये अपनी सभ्यता संस्कृति विरासत को दिखाने का होता है और हमारे बुजुर्गों के दिए हुए बलिदानों का इतिहास बताने का होता है। तो सभी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेते हैं और अपने इतिहास की पूर्ण जानकारी लेते हैं। गुर्जर महोत्सव की बात की जाए तो यूथ का महोत्सव माना जाता है। साहब बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस भी समाज का यूथ खड़ा होता है उस समाज में उद्धार हो जाता है। तो साहब गुर्जर समाज में तो यूथ ही यूथ है, आप अधिकतर देखोगे तो हमारे जो बुजुर्ग हैं हम उनका आशीर्वाद लेके सारे यूथ आगे बढ़ते हैं और पूरे देश के गुर्जरों को इकट्ठा करते हैं और हम चाहते हैं कि पूरे देश दुनिया के गुर्जर इकट्ठा हों, इस मेले में आए, अपनी सभ्यता संस्कृति को पहचाने और आने वाली पीढ़ी को अपने विरासत और इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी दे सकें। इस बार कुल संख्या कितनी है? इस बार जो हमारी संख्या होने वाली है वो लगभग 8 से 9 लाख लोगों की संख्या होने वाली है तीनों दिनों में। कुछ अलग दिखाने का प्रयास किया है पिछली बार के एवज में? अबकी बार हमारे दो कार्यक्रम अलग हैं। एक हमारी गुजरी ड्रेस का कंपटीशन है, जो हमारी पारंपरिक ड्रेस है वो गुजरी ड्रेस है, उसका हमने इस बार रैंप रखा है और उसमें हमने ये अलग से रखा है। दूसरा हमारा जो कार्यक्रम है वो बॉडी बिल्डिंग का हमने अलग से रखा है। हमारे समाज में एक से एक योद्धा हैं जो अपने शारीरिक बल पर ये दिखाते हैं कि भाई हम अच्छा खाते हैं और अच्छा पहनते हैं, जिससे कि हमारा शरीर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहता है। देखिए अभी जो हमारे भाई रणदीप चौहान जी ने जो बताया, ये संस्थापक ही है इस महोत्सव के, और उन्होंने बहुत ही अच्छा आयोजन लास्ट ईयर भी किया था और अभी भी किया है। तो मैं तो सबसे पहले तो भाई को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। सारी रूपरेखा तो उन्होंने बताई आपको, बाकी मैं जो समझता हूँ ये एक पूरे देश के गुर्जरों को एक जगह इकट्ठा करने का और एक अच्छी पहल करने का जो इन्होंने आयोजन किया है, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इससे क्या है कि हमारे पूरे देश में जितने भी हमारे 13 गुर्जर लगभग यहाँ पहुँच रहे हैं, तो उनमें एक दूसरे से परिचय प्राप्त करने का, एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे की वेशभूषा जानने का, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं सुबोध वहाँ से गांव अड़ंगपुर, हमारे रणदीप भाई सुरेंद्र भाई ने सारा संक्षिप्त में परिचय दे दिया। वैसे तो आप भीड़ से देख सकते हो कितना हर्षोल्लास है हमारे समाज में और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जो रहने की व्यवस्था वो मैंने कराई है अपने उसमें बैंकेट हॉल में, काफ़ी लोग वहाँ रुके हुए हैं और 2 दिन के अंदर काफ़ी लोग आने वाले हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और हमारे समाज के लिए ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है। हमारे बच्चों को, हमारी नई जनरेशन को इसमें जानने के लिए मिलेगा कि क्या हमारी संस्कृति थी, कितने लोगों ने बलिदान दिया, वो सब हमारे यहाँ स्टॉल लगी हुई है जगह जगह। सुबोध जी आप यहाँ पे स्थानीय हैं, लोकल हैं यहाँ से, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। 10,000 लोगों के रहने की व्यवस्था करिए साहब। मैं सुबोध जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इन्होंने बहुत कम टाइम पर अपने इन पे जो भी व्यवस्थाएं थी अपना बैंकेट हॉल हमें दिया, इन्होंने कम से कम 10,000 लोगों की रहने की व्यवस्थाएं अपने ऊपर करी है। मैं सुबोध जी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद।